मैं यहाँ हूँ। नहीं 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 नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर हूँ। अरे अरे तेरी, देखा नहीं, ढूंढ पाया ना मुझे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम दोबारा से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट, तुम सबका फेवरेट गेम। आज का माइनक्राफ्ट एपिसोड में मेरे को तुमसे एक बात करनी है। देखो गाइस, मैं हाउसेस पे कितनी वीडियोस बना चुका हूँ, मैं 3-4 सीक्रेट हाउसेस बना चुका हूँ, सर्वाइवल में 3 बार मैं अपना घर बना चुका हूँ, अब हार्डकोर में भी एक मॉडर्न हाउस बना लिया। तो अगर इंसान इतनी मेहनत करेगा तो थक नहीं जाएगा क्या? तो गाइस मैं सोच रहा था कि माइनक्राफ्ट में ऐसा हो सकता है क्या कि मैं बस ताली मारूं और एक झटके में यहाँ पर घर बन जाए? नहीं, देखो ऐसा होना तो इम्पॉसिबल है, बट नथिंग इज इम्पॉसिबल व्हेन छोड़ो, डायलॉग नहीं आ रहा मुझे, लेकिन अभी छोड़ो, क्या कर सकते हैं। हैं गाइस, वो तुम्हें कुछ दिख रहा है? वो क्या है? मैंने पहली बार माइनक्राफ्ट में ऐसी कुछ चीज देखी। चलो आओ देख के आते हैं। गाइस देखो, क्रिएटिव में हम एक्वामैन भी बन सकते हैं। ओ भाई, ओ ये एक्वामैन तो जमीन के अंदर फंस गया। गाइस मेरे को वो चीज देख के आनी है, मेरे डिटेक्टिव का दिमाग काम कर रहा है। ओ भाई साहब, ये तो किसी का घर लग रहा है। ए घोड़ा, ये तुम लोगों का घर है क्या? देखो ये घोड़े इसी कलर के, शायद मुझे लग रहा है ये इन्हीं का घर है। बाबा बोई, ओ तो ये तुम्हारा घर है। एक घोड़ा पप्पी दे रहा उसको अपने घर। ओ यहाँ पर वॉट, आयरन गोलम को बंद करके रखा। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? मेरे दोस्त को तुम लोग बंद करोगे? आयरन गोलम को बंद करेगा? तुझे डर नहीं लगता? आयरन गोलम मैं तेरे को छुड़वाऊंगा, देखता हूँ ये क्या कहते हैं तेरे को। आज आयरन गोलम तेरे को विलेज में लेके जाता हूँ, ये ले पहले तो थोड़ी सी आयरन खा, तेरे को विलेज में लेके जाता हूँ। ये आंडू पांडू पिलेजर्स क्या कर सकते? ओए तुम लोग मेरे गोलम को मारोगे? ये ले गोलम, दिखा दे इनको अपनी ताकत। मेरे गोलम को, ये ले आयरन गोलम, लड़ लड़ जल्दी से। वे कितने सारे, मेरे गोलम को मार दिया यार, मुझे मार देते मेरे पिछवाड़े पे ये तीर लेके क्यों खड़ा हुआ है यार, मुझे मार देते मेरे गोलम को क्यों मार दिया। सब बार डालूंगा तुम लोगों को, रुको तुम्हारा घर ही जलाता हूँ, सबर करो, सब जला दूंगा तुम्हारे घर में, तोड़ डालूंगा घर। हा हा हा, बहुत नाटक है। ये चल चल, मर मर, ऐसे मारा ना, ऐसे मारा गोलम को। इनकी मस्त अभी मैंने वाट लगा दी, आइंदा कभी किसी विलेजर पे हाथ नहीं उठाएंगे। बेघर कर दिया तुम लोगों को, अब जाओ बिग बॉस के घर। सस्ता जोक था, सॉरी। ओके गाइज, मैंने अपनी आंखों के सामने अभी आयरन गोलम को मरते देखा है, तो ये मेरी जिम्मेदारी होती है कि आयरन गोलम को मैं एक अच्छे से गुड बाय कह सकूं, यानी हम उसके लिए एक अच्छी सी कब्र बनाएंगे। ओके गाइज, मैं ढूंढते फाइनली विलेज के पास आ चुका हूँ, और अब हम यहाँ पे अपने आयरन गोलम के लिए एक अच्छा सा घर बनाएंगे, जिसके अंदर हम अच्छे से उसकी एक कब्र बनाएंगे। तो यस गाइज, अभी हम एक घर बनाना शुरू। बेटा फिकर मत करो बेटा, माइनक्राफ्ट के गॉड, तुम्हारे आयरन गोलम को जरूर सुकून मिलेगा। ओह ये क्या, सामने एक चेस्ट आ चुकी है, मुझे लगता है माइनक्राफ्ट के गॉड ने हमारी सुन ली। देखते हैं इस चेस्ट में क्या है। ओह ये अजीब अजीब से ब्लॉक्स, ये ब्लॉक्स तो मैं पहली बार देख कितनी अच्छी एक्टिंग करता हूँ मैं बोल रहा हूँ नेटफ्लिक्स वालों मुझे हायर कर लो। इंस्टेंट वुडन हाउस, मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, मुझे लग रहा है इन ब्लॉक से हम घर बना सकते हैं, यानी मेरी फाइनली गॉड ने सुन ली है। मैं सोच रहा हूँ कि इसको विलेज के आसपास ही लगाते हैं, क्योंकि विलेज के पास ही आयरन गोलम रहता था, तो यहाँ लगा के देखता हूँ एक बार। व्हाट, यस घर बन चुका है हमारा गाइस, बाहर से देखते इसको। वाह भाई वाह, 4 चांद लग गए भाई इस घर पे तो। अरे वाह भाई वाह, ये तो कितना अच्छा हो गया, 1-2 घंटे तक ब्लॉक्स लगाने से ये कितना आसान था। एक बार इस घर को अंदर से देखते हैं। चलो ये घर पूरा खुला है, कुछ क्राफ्टिंग टेबल वगैरह है नहीं, क्योंकि मेरे को बीच में यहाँ पे आयरन गोलम की वहाँ पे स्टैचू बनाना है। यार ये ऊपर से कितना औसम लगता है, ये तो मेरे पुराने माइनक्राफ्ट घर जैसा दिख रहा है। बाहर देखो फूल भी लगाए, शायद इनको भी पता चल गया कि मेरा आयरन गोलम मर गया। यार ये तो बहुत अच्छा लगा मेरे को, ग्लास भी लगा है यार, पूरा मॉडर्न, पूरा मॉडर्न हाउस लग रहा है ये तो। बाहर लैंटर्न्स भी लगाए भाई, वाह। गाइस मेरे को कमेंट्स में बताना कि तुम इस घर को कितना रेट करोगे, मैं तो इस घर को करता हूँ
7 out of 10। कुत्ते आजा, देख मेरा घर कैसा है। अरे कितने सारे कुत्ते हैं यहाँ पर, पूरी अपनी फैमिली लेके आ गए क्या? ओके गाइस, मैं क्या करता हूँ कि अगला घर में आयरन गोलम को दूंगा, ये वाला मैं कुत्ते की फैमिली को दे देता हूँ। हाँ भाई आ जाओ अंदर, आज से तुम लोगों का ये घर। हाँ कैसे देखो, खुश है अंदर घर में अपने। ओके गाइस, अब अपने नेक्स्ट घर की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि उस घर में क्या है। बिग इंस्टेंट वुडन हाउस। ओके तो ये शायद बड़ा घर होगा, उससे बिग है तो यानी इसके लिए काफी बड़ी जगह चाहिए होगी। मैं क्या देखता हूँ बड़ी जगह, हाँ इन शीप्स पे लगा देता हूँ। एक घर शीप्स को भी तो देना पड़ेगा ना, यहाँ लगाते। अरे हट बाजू, यहाँ लगाते हैं हम अपना हाउस। एंड वाओ, शीप्स को तो पूरा घर मिल चुका है। ओ, ओ, वो एक बेचारा बाहर रह गया। कोई बात नहीं, उदास मत हो, तू भी आ जा। गाइस ये घर तो बहुत ही प्यारा लग रहा है मेरे को। वाओ यार देखो भाई, बाहर से कितनी मेहनत करके बनाया जिसने भी बनाया। गाइस उस घर को देखो और इस घर को देखो, कितना बड़ा है ये। तू क्या भाई ऊपर देख रहा है, तू ऊपर चढ़ेगा क्या? अरे बाप रे, यहाँ पर हम आयरन गोलम का वो बना सकते हैं पूरा। अभी भी मेरे को 3-4 घर और देखने हैं, उसके बाद ही मैं डिसाइड करूंगा। चलो तुम लोग एंजॉय करो और बाय बाय करते रहो। मुझे अपने नेक्स्ट घर के मेहमान दिख भी चुके हैं, तो पहले हम इसको करते हैं स्टोन मेंशन। मेंशन लग रहा है तो आई थिंक बड़ा ही होगा। आ जाओ भाई तुम लोगों के लिए घर, कि मैं इसको इधर बना देता हूँ। ओह भाई कैसा घर है भाई, बीच में लावा का तालाब भी है। गाइस ये मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा, मैं सच बता रहा हूँ। देखो देखो, मेरा नाम है एल्बिडो और एल्बिडो कभी झूठ नहीं बोलता, ठीक है? इसी बात पे जल्दी से एक लाइक मारो, 1 like is equal to 1 सच्ची बात। ओके गाइस, अपने जो नेक्स्ट घर की बारी है, वो हम किधर बनाए? मैं सोच रहा हूँ कि इधर बनाते, देखते हैं इससे क्या होता है। ये तो पूरा एक टावर जैसा बना दिया। वैसे अगर यहाँ के सामने एक पिलिजर टावर हो और मैं यहाँ पर चढ़ूँ, तो मैं आराम से यहाँ पिलिजर्स की बैंड बजा सकता हूँ। नाइस भाई, अंदर से देखते क्या है। ये घर भी मुझे बिल्कुल ही नहीं पसंद आया। आथू यार, ये स्टोन के घर इतने बकवास क्यों है। चलो अब नेक्स्ट घर की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है बिग स्टोन ब्रिक बिल्डिंग। यहाँ पर मैं ये घर मुझे कुछ अच्छा लग रहा है। अरे हाँ ये घर अच्छा है, और ये घर का मेरे को मेंबर भी मिल चुका है। आजा घोड़े, तेरा घर है याद से, आजा। गाइस ये घर मेरे को प्यारा लगा अभी, जितने भी स्टोन घर्स में। ये देखो, यहाँ पर मैं विलेजर्स को रख सकता हूँ और इधर मैं रह सकता हूँ। नाइस, इस घर पे खड़े होके ऐसे किंग वाली फीलिंग आ रही है। गाइस अब काफी टाइम बाद मैंने इन सारे घरों को देखा और मैंने डिसाइड किया कि मैं ये वाला घर चुनता हूँ, जिसके अंदर मैं अपने आयरन गोलम की कवर बनाऊंगा। हाँ, इनको मैंने बांध दिया था कि ये आयरन गोलम की कवर पे चढ़ ना पाए। ओके तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं आयरन गोलम की कवर बनाऊंगा गोल्ड ब्लॉक्स और आयरन ब्लॉक से। इधर हम एक फ्रेम लगाएंगे और इसमें हम एक आयरन का, हाँ मुझे तो अभी से रोना आ रहा है, बहुत याद आएगा आयरन गोलम की। ये ले गाइस, मैं सच में बहुत रो रहा हूँ अभी। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करो, 1 like is equal to 1 प्रेयर फॉर आयरन गोलम। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, 1 subscribe is equal to 3 प्रेयर्स फॉर आयरन गोलम। और मैं मिलूंगा तुम लोगों से एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।